लाओ गिव मी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो आज है फ्रेंडशिप डे, सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो ये फ्रेंडशिप डे का व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियो, अगर व्लॉग वाली वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट हर वीक एक व्लॉग शूट करूँगी। तो इसके लिए आज फ्रेंडशिप डे पे हम लोगों ने प्लानिंग किया, हम फ्रेंड्स थोड़ा बाहर जाएंगे, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए बाहर निकलना है। इसके लिए सुबह सुबह आ गई हूँ, किचन में जितने भी वॉश किए हुए बर्तन थे उसको मैंने हटा के और सिंक को क्लीन कर दिया है। एक तरफ दूध बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया, दूसरी तरफ गर्म पानी। गर्म पानी मैं सुबह सुबह खाली पेट मैं भी लेती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को भी दूँगी और मैं अपनी सासू माँ को भी दूँगी। अब साथ साथ चाय और कॉफ़ी दोनों मैं बनाऊंगी। मैं इंस्टेंट जब जल्दी में रहती हूँ मैं ऐसे ही बनाती हूँ, दूध और पानी मैं डाल देती हूँ, उसी में चाय कॉफ़ी दोनों बना लेती हूँ। जब तक दूध बॉईल हो रहा है तब तक मैं दाल को भिगो दूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को दाल बहुत पसंद है तो मुझे डेली बनाना पड़ता है इसे। इधर दूध में मैं डाल दी हूँ चीनी और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी कुछ सेकेंड्स के लिए। उधर दूध भी मेरा बॉयल हो रहा है, तो झाग वाली इंस्टेंट कॉफ़ी भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए। मैंने कॉफ़ी ऐड कर दिया है कप में, इसमें मैं डालूंगी एक दो चम्मच दूध, गर्म दूध डाल दूंगी। उसके बाद ये विस्कर रहता है ना, उसे अच्छे से फेंट लूंगी मैं। नहीं, अगर आपके पास विस्कर नहीं है ना तो आप फोक से भी इसको फेंट सकते हैं। वैसे फेंट के उसके बाद जब दूध ऐड कीजिएगा ना, तो हाथ को ऊपर की तरफ करते हुए मैं दूध ऐड करूँगी, जिससे झाग वो और बन जाता है। तो चलिए, इंस्टेंट वाली झाग वाली कॉफ़ी रेडी है, तो इसको ले चलती हूँ मैं हस्बैंड के पास और उनको दे दूँगी कॉफ़ी। फिर मैं आ गई हूँ किचन में और उसी कॉफ़ी वाले दूध में मैं चाय पत्ती ऐड कर दूंगी और उसको खौलाऊँगी, चाय बनाऊँगी उसका। ये देखिए, मेरा छोटा बेटा भी उठ गया है, उसको मैं सिंक पे बैठाती हूँ, वो हंस रहा था। इसके इधर मेरा दूध भी, चाय भी खोल चुका है, जिसमें ऐड कर दूंगी मैं इलायची कूट के और अदरक भी डाल दूंगी। और इधर मैं सासू माँ के लिए चाय छान रही हूँ, पहले उनको दे के आऊँगी फिर मैं खुद का चाय छानूंगी। और चाय पीते हुए काम को जल्दी जल्दी करूँगी, टाइम नहीं है ज़्यादा, तो जल्दी जल्दी सारा काम करना है। साथ ही साथ दोनों चूल्हे पे मैं डाल दूंगी, एक तरफ मैं चावल चढ़ा रही हूँ, तो उस चावल को वॉश करके पानी के साथ मैं डायरेक्ट चढ़ा दी हूँ। इधर कुकर में मैं दाल ऐड करूंगी और पानी ऐड करूंगी, हल्दी नमक डाल दूंगी। नॉर्मल सिंपल दाल खाना मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है, तो मैं सिंपल दाल ही ज़्यादातर बनाती हूँ, उनको छौंका लगाया हुआ दाल ज़्यादा पसंद नहीं है। इधर मैं आलू को पील कर रही हूँ, मैं दो आलू को पील करके उसी दाल में ऐड कर दूंगी, क्योंकि मुझे आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बनानी है, तो बॉइल्ड आलू मुझे चाहिए, तो मैं दाल में ही डाल दूंगी। और उधर सीटी लग रहा है, तब तक मैं इधर सेरेलेक बना रही हूँ मैं अपने छोटे बेटे के लिए। तो ये रहा सेरेलेक, उसमें गर्म पानी डाल के मैं मिक्स करूँगी। दूध डाल के मैं कभी बनाती हूँ तो मेरे छोटे बेटे को उतना पसंद नहीं है दूध में डाला हुआ सेरेलेक, तो मैं पानी में ही बनाती हूँ इसको। इधर ड्राई फ्रूट का पाउडर है, एक चम्मच मैं ऐड कर दूँगी। मैं ड्राई फ्रूट का पाउडर हमेशा बना के रखती हूँ, मैं दोनों बेटों को देती हूँ जब भी वो दूध वगैरह लेता है। तो इधर देखिए, मेरा छोटा बेटा ब्रश कर रहा है खुद से बेसिंग पे बैठ के, तो उसके कुछ देर वो खुद से ब्रश करता है, उसके बाद मैं उसको ब्रश कर देती हूँ, टंग क्लीन कर देती हूँ। टंग क्लीनर हाथ में लिया हुआ है, उसके बाद उसको मैं ब्रेकफास्ट करा दूँगी, सेरेलेक खा रहा है वो। मैं डिफरेंट चीज़ें भी बनाती हूँ, लेकिन जब जल्दी रहता है मुझे, अभी मुझे जाना है बाहर, तो मैं सेरेलेक ही बनाती हूँ। और इसको सेरेलेक ये बहुत अच्छा से खा लेता है, इसको बहुत पसंद है, आप देख सकते हैं कितना इंजॉय कर रहा है वो सेरेलेक को। इधर कुकर में भी सीटी लग गई है, मीन्स हमारा दाल बन गया है, उधर चावल भी लगने को रेडी ही है, तो हम चलते हैं आगे। तो पहले मैं ब्रेकफास्ट निकाल रही हूँ, मैं अपने आज मैं कुछ प्लानिंग नहीं की हूँ ब्रेकफास्ट का, तो मैं इंस्टेंट वाला यूज कर रही हूँ। कॉर्नफ्लेक्स ली हूँ मैं, उसमें डाल रही हूँ मैं चॉकलेट, बॉर्नविटा वगैरह, हॉर्लिक्स वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। मैं कुछ नट्स ऐड की हूँ, ये रहा ब्रेड, मैं ब्रेड ऐड कर रही हूँ, इसमें गर्म गर्म दूध डालूंगी मैं। और ये मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, उनको ऐसा वाला मील बहुत पसंद है, तो मैं उस पपाया के साथ दे रही हूँ। मैं कोई भी फ्रूट ले लीजिएगा, उसमें डाल दीजिएगा तो और अच्छा लगता है, तो मैं पपाया था मेरे फ्रिज में तो मैं डाल दी हूँ। उसके बाद मैं उठाने जा रही हूँ अपने बड़े बेटे को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग,
मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जे हाय हाय, कैमरा में हाय करो, हाय करो, हाय, गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, लाओ गिव मी, इधर सेम ब्रेकफास्ट मैं अपने सासू माँ को भी दे रही हूँ। उसके बाद मैं सब्जी के लिए पैन मैंने चढ़ा दिया, पैन को गर्म कर ली हूँ। उसमें मैं पहले फूल गोभी को फ्राई करूँगी। एक्चुअली आलू गोभी मटर का सब्जी तो सभी बनाते हैं, सभी छौंका लगाते हैं। मैं कैसे बनाती हूँ ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ, ऊपर से इंस्टेंट बना रही हूँ मैं, जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो ऑयल में मैंने पहले फूल गोभी को फ्राई कर लिया है। सेम पैन में मैं फिर से एक चम्मच तेल डाल रही हूँ। उसमें डाली हूँ मैं तेज़पत्ता, इलायची, लौंग, काली मिर्च, जीरा, और उसको जीरा थोड़ा चटक जाए, दो लाल मिर्च ऐड किया है मैंने। प्याज डाल दूँगी, प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दूँगी। दो तीन मिनट मैं उसको भी अच्छे से भूनूंगी, फिर मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी, जो नॉर्मल सभी इंडियन मसाले जैसे होते हैं, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, वो तीनों मैं ऐड की हूँ। उसको अच्छे से मैं भून लूँगी। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, वो ऑप्शनल रहता है। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं रेसिपी का भी वीडियो बनाती हूँ। मैं हमेशा बताती हूँ मैं मसाला जब मुझे रहता है मैं थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ उसमें। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर। मैं ज़्यादातर चिकन मसाला पाउडर भी ऐड कर लेती हूँ सब्जियों में। और उसके बाद मैंने एक टमाटर ऐड किया है, उसको भी सब्जियों के साथ अच्छे से मैं भूनूंगी। साथ ही साथ मैं मटर भी ऐड कर दी हूँ, उसको भी अच्छे से पकाएंगे, ढक के भूनिए। उसके बाद साथ ही मैं फूल गोभी भी ऐड कर दी हूँ, उसको भी मैं भूनूंगी, ढक दूंगी, दो तीन मिनट पकाएंगे। उसके बाद बॉइल्ड किया हुआ आलू डाल देंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, उसको अच्छे से मिला देंगे सब्जियों में। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे पानी, मैं एक गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। उसको ढक दूंगी, दो तीन मिनट पकाऊंगी। इधर मैं सैंडविच, चीज सैंडविच बना के उसको टिफ़िन में पैक करके रख के जाऊंगी, क्योंकि बच्चे अगर बीच में कुछ खाने के लिए मांगेंगे तो उसको उसके पापा या मेरी सासू माँ निकाल के दे सकती है। लास्ट में धनिया पत्ता ऐड कर देंगे और सब्जी हमारा हो गया रेडी, बहुत जल्दी बनने वाला है। और धनिया पत्ता की चटनी है, ग्रीन चटनी जो बोलते हैं, वो है, इमली की चटनी बना के रखी हूँ। सब खाना बन गया है। अब मैं वॉश कर लूँगी बर्तन को, मैं बर्तन अभी धो रही हूँ, उसके बाद किचन को क्लीन कर दूँगी। ये देखिए मैं अपने चूल्हे को, ये स्प्रे मैं घर पे बनाती हूँ, बेकिंग सोडा और विनेगर वगैरह ऐड करके मैं बनाती हूँ, इससे साफ करना ईजी रहता है किचन को। ये किचन भी हो गया है हमारा क्लीन, तो चलिए हम चलते हैं रूम में। सबसे पहले मैं बेडरूम क्लीन करूँगी, तो बेडरूम का पहले बेड वगैरह मैं, बेडशीट आज मुझे चेंज करना है, तो मैं जितने चादर वगैरह है सब हटा रही हूँ। ये बेडशीट मैं चेंज कर दूँगी और इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी मैं। बेडरूम भी हो गया है मेरा क्लीन, मैंने हॉल और ऑफिस वाले रूम को भी क्लीन कर लिया है। ये मेरा बड़ा बेटा भी नहा लिया है, अब छोटे बेटे को मैं मालिश कर रही हूँ। नहाने से पहले मैं उसे मसाज करती हूँ, मसाज करने के बाद उसे मैं बाथ दूंगी। ये देखिए मसाज वो कितना इंजॉय कर रहा है। उसके बाद मैं इसे अब नहाने ले जा रही हूँ। ये मैं नहा दी मैं अपने छोटे बेटे को, इसको अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा के उसके बाद ड्रेसअप कर दूंगी और इसको भी रेडी कर दूंगी। तो बड़ा वाला बेटा भी रेडी है, वो भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। छोटा वाला को तो मैंने पहले ही ब्रेकफास्ट करा दिया है, ये देखिए सो रेडी कर दी हूँ। अब मैं चलूँगी नहाने के लिए, तो मैं जा रही हूँ बाथ लेने। बाथ लेकर मैं आ चुकी हूँ, अब करूँगी मैं पूजा। तो पूजा करके उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस करूँगी। मेरा ही बज रहा है, मूवी लगा है। अच्छा, हाँ ट्रेलर नहीं देखी? हाँ ट्रेलर देखी हूँ। ये क्या ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम घर से निकल चुके हैं। और ये सबसे पहले मैंने, हम लोग पहुँचे हैं चप्पल वाले दुकान पे, उसके बाद गई थी कुछ, इसको सिल्वर का मेरी फ्रेंड को लेना था, इसके लिए टोरिंग वगैरह लेना था, तो उसके लिए हम लोग गए थे दुकान।
वहाँ से निकल के हम मॉल की तरफ जा रहे हैं। हम लोग बहुत सारे मॉल में गए थे, कुछ कुछ शॉपिंग भी हुई है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। हमारा ये फ्रेंडशिप लगभग 13 to 14 ईयर्स का है। हम 13-14 साल का ये हमारा फ्रेंडशिप है, जिसमें जब हमारी शादी हो गई, उसके भी 2 बच्चे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं। शादी होने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ में लेकर हम लोग कभी साथ में ऐसे निकले नहीं थे, तो बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद हम लोग साथ में टाइम बिताए। पूरे दिन हम लोग इवनिंग में घर आए थे, इवनिंग क्या नाइट हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कितने सारे मॉल में हम जा चुके हैं, मुझे तो नाम भी याद नहीं है कौन कौन से मॉल में हम गए थे। कुछ कुछ शॉपिंग भी किए और वैसे घूम कर भी आए कुछ कुछ मॉल से हम, तो आप देख सकते हैं उस के बाद लग गई हम लोग को बहुत तेज की भूख, तो हम लोग जा रहे हैं लंच करने। पहले हम लोग लंच करेंगे, उसके बाद हम फिर से आगे घूमेंगे। लंच करके हम लोग कुछ देर और घूमे, उसके बाद हम आ गए अपने घर की तरफ चल दिए। उसके घर आने के बाद हम लोग एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांध दे, क्योंकि हम लोग को मिला नहीं मार्केट में, तो घर के पास शॉप में मिल गया, तो हम लोग घर के आगे बांध रहे, एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड लगा रहे हैं। बहुत मज़ा आया फ्रेंड के साथ। और आप लोग को भी अगर मेरा ये व्लॉग वाला वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। और